नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के गृह ग्राम चोरा में बिजली की भीषण समस्या चलते घरों में जनता परेशान है। करीब 15 दिन से गांव चोरा तहसील भितरवा जिला ग्वालियर में करीब 2000 की आबादी वाले ग्राम चोरा में दिन भर अचल ज्योति बिजली गायब रहती है। बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों कर्मचारियों का कोई ध्यान नहीं है। गर्मी से नन्हे बच्चों और गर्भवती महिलाओं की हालत खराब है। इसी के चलते एक विचित्र बात सामने आई है। ग्राम चोरा में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से अचल ज्योति ट्रांसफार्मर कुशवाहा मोहल्ला का कागजात में और एक रिकॉर्ड में रखा गया है, जबकि आज दिनांक तक वे हकीकत में है। हिंदुस्तान टुडे के संवाददाता द्वारा ग्रामवासियों से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि आज तक कोई ट्रांसफार्मर कुशवाहा मोहल्ले में रखा ही नहीं गया है। भितरवा से संवाददाता कमल साहू की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भरत, निवासी स्थान द्वारा। जैसे कि आपके गांव में क्या समस्या चल रही बिजली की? बिजली करीब 15 दिन से अटल ज्योति नहीं आती है तो बिल्कुल मरी हुई है इसकी आती है कि जिससे पंखा भी नहीं घूमता। इसकी शिकायत आपने कहीं बिजली विभाग में या किसी कर्मचारी को अवगत कराया? करीब आज से 20 दिन पहले जी विद्युत मंडल प्रभारी भितरवार के लिए पंचनामा और आवेदन गांव के द्वारा भेजा गया। अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई? अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। जैसे कितने दिनों से लाइट की समस्या से गांव में चल रही है? करीब 15 दिन से। अच्छा, गांव का क्या नाम है? ग्राम जोरा, ये अपना भितरवार फीटर ग्वालियर। फीटर कहाँ पे लगता है ये आपका? ये फीटर है आदमपुर की पुलिया के पास में, गुरुद्वारा बना हुआ है सरदारों का, उसके पास में पावर हाउस है। मतलब कागजों में दर्शा दिया कि आपके कुशवाहा मोहल्ला में डीपी रखी गई है अटल ज्योति। अटल ज्योति की डीपी हर मोहल्ले में रखी गई है, वो कुशवाहा मोहल्ला की डीपी जो है कागजात में रख दी गई है, मगर आज तक डीपी रखी नहीं गई शासन द्वारा न ठेकेदार द्वारा।